नमस्कार, आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज और मैं हूं प्रिंस बहादुर सिंह। सबसे पहले आप सभी को इस गुजरे हुए नववर्ष के बारे में बताना चाहूंगा और उसके बाद दूंगा मैं बधाई आने वाले नववर्ष की, जिसे 2020 के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं 2019 के महीने दर महीने हुई बड़ी घटनाओं पर, जो देश की सुर्खियां बनी, जो राजनीतिक गलियारों की सुर्खियां बनी, जो सामाजिक सरोकार की सुर्खियां बनी, जो रोज के न्यूज़पेपर्स की सुर्खियां बनी और जिसका जिक्र मीडिया में 24 घंटे छाया रहा। और वो 2019 की वो बड़ी घटनाएं जिन्होंने पलट कर रख दी भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति का इतिहास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ ही घंटों में 2020 शुरू हो जाएगा और ये साल अपने अंतिम दौर पर है। 2019 जो है भारत के लिहाज से कई मायनों में खास रहा, सबसे अहम इसलिए भी रहा कि इस साल ऐसी कुछ घटनाएं हुई जो इतिहास में अपनी अलग जगह बना लेंगी। कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जो लंबे समय तक याद रहेंगी। इनमें सबसे बड़ी घटना मैं जिक्र करना चाहूंगा पुलवामा में हुई आतंकी घटना का, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। और उसके बाद जो दिसंबर के महीने में सबसे बड़ी घटना हुई वो है नागरिकता संशोधन कानून, जिसको हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूप में जानते हैं, जिसने विश्व के राजनीतिक गलियारों की हलचलें बढ़ा दी और देश भर में इसके खिलाफ एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। ये सही है या गलत, इसका निर्णय हम नहीं करने वाले, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि एक ऐसी सुर्खी थी जनवरी में पुलवामा और दिसंबर में सीएए पर हो रहा देशव्यापी प्रोटेस्ट, जिसने राजनीतिक और सामाजिक गलियारों की हलचलों को तेज किया। तो आइए इस साल के हर महीने की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। तो जनवरी, सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी की। जनवरी की जो सबसे बड़ी घटना है वो पुलवामा की घटना है और उसके अलावा सबरीमाला, जो सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला पर वर्डिक्ट दिया, वो भी एक अहम घटनाओं में से जानी जाती है। तो इसमें हुआ क्या, हुआ यूं कि सबरीमाला मंदिर के अंदर महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। महिलाओं का प्रवेश सबरीमाला मंदिर के अंदर हिंदू शास्त्रों के अनुसार कहे जाने वाले तमाम वक्तव्यों के आधार पर महिला सबरीमाला मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय के बाद ये इतिहास बन गया जब सबरीमाला मंदिर के अंदर दो महिलाओं ने प्रवेश किया। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी घटना जो है पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्याकांड के मामले में, डेरा सच्चा सौदा के जो संत हैं, जिन्हें स्वयंभू संत भी कह सकते हैं, राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके बाद हम फरवरी में आते हैं तो सबसे पहली घटना जो फरवरी की हमारे ध्यान में आती है वो है पुलवामा की आतंकी घटना, जिसने 40 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ जवानों को शहीद किया। देश भर की आंखें नम थी और उसके बाद भारतीय सेना की शौर्य गाथा शुरू हुई और एक बार भारत पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले का बदला लेने के लिए, पाकिस्तान के बीच आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारे जो जवान हैं उन्होंने एक एयर स्ट्राइक करी, जो पूरी दुनिया में उस दिन की सबसे बड़ी सियासी सुर्खी बनी। और उसके बाद हवाई झड़प के दौरान अभिनंदन, जो कि विंग कमांडर, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान में पकड़ा गया और उसके बाद उनकी रिहाई, ये फरवरी की सबसे बड़ी घटना में शामिल रही। वहीं हम मार्च की बात करें तो मार्च में मिशन शक्ति ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। इसमें मिशन शक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को मार गिराने का सफलतापूर्वक अभियान शुरू किया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन शक्ति की जानकारी देश को संबोधित करते हुए दिया था। और उसके बाद जो मार्च की एक बड़ी सियासी सुर्खी थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी में श्री श्री रविशंकर इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राम मंदिर विवाद को सुलझाने के लिए एक अगर मीडिएशन कमेटी बन जाए तो अगर इसके जरिए इस मामले का विवाद को सुलझाया जा सके तो बेहतर होगा। और फिर मार्च की एक और बड़ी सुर्खी है, भारत और रूस के बीच $3 अरब का समझौता हुआ। इसके तहत भारत रूस से अकुला 2 परमाणु पनडुब्बी को 10 साल के लिए लीज पर लेगा और ये परमाणु पनडुब्बी अब भारतीय नौसेना के बेड़े में है। आगे बढ़ते हैं अप्रैल की तरफ। अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। ये था द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल नाम का सम्मान, जो रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस सम्मान से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस ने सम्मानित किया। मई की बात करते हैं तो मई में देश को नई सरकार मिली। आम चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी को
बीजेपी को बहुमत मिला और उन्होंने 303 सीटें हासिल करते हुए नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दूसरी बार सरकार बनाई। ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार, दोबारा गैर कांग्रेसी दल की सरकार। भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक सरकार जो कि पिछले 5 साल चल रही थी उसके बाद हुए आम चुनाव में पूर्ण बहुमत से और अधिक सीटों के मार्जिन से एक बार दोबारा सत्ता में आई। और वहीं पर मई की जो सबसे बड़ी एक और घटना है वो भारतीय वायुसेना से जुड़ी हुई है, जिसमें 3 महिलाओं वाले क्रू ने मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर MiG-17V5 में उड़ान भरी थी। यह पहली बार था जब वायुसेना का हेलीकॉप्टर महिला क्रू के साथ उड़ान भर रहा था। और जानी मानी पत्रिका टाइम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी महीने डिवाइडर इन चीफ की उपाधि दी थी, जिसके बाद देश में एक नया बवाल पैदा हुआ था। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी सोच से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने उन्हें डिवाइडर इन चीफ की बजाय यूनिफायर इन चीफ बोला था, जिसके बाद ये विवाद शांत हुआ। और एक और आर्टिकल लिखा गया टाइम मैगजीन के हवाले से, और उसमें बताया गया कि पीएम मोदी डिवाइडर इन चीफ नहीं, यूनाइटेड यूनिफायर इन चीफ हैं। वही हम आगे बढ़ते हैं जून की सबसे बड़ी सुर्खी बिहार से है, जिसमें बिहार में दिमागी बुखार के प्रकोप में 100 से ज्यादा बच्चों की लोगों की मौत हुई थी। और इसको रोकने के लिए जो सरकारी इंतजाम किए गए थे उसकी सबसे बड़ी पोल तब खुली थी जब मीडिया ने रिपोर्टिंग करते हुए वहां पर दिखाया था कि किस प्रकार से सरकारी अस्पतालों में इस रोग से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम की कोई व्यवस्था नहीं है और लोगों को उनके हालत में मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। और इस घटना के बाद आपको बताएं कि बिहार में नीतीश सरकार की काफी किरकिरी भी हुई थी, तमाम बयान भी आए थे जो बयान एकदम हास्यास्पद थे। उन पर लग रहा था कि ऐसे असंवेदनशील बयान एक गद्दी पर बैठा हुआ राजनेता किस प्रकार से देगा। दूसरा जो जून का सबसे बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा था वो था मराठा आरक्षण के मामले में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 16% से घटाकर नौकरियों में 12% और शिक्षा में 13% देने का प्रावधान किया था। तीसरी जो सुर्खी है वो जम्मू कश्मीर से है, उसमें कठुआ गैंगरेप और हत्याकांड के मामले में पठानकोट अदालत ने दोषी करार दिए गए 3 लोगों को उम्र कैद और 3 को 5-5 साल की सजा सुनाई थी। आगे बढ़ते हैं जुलाई में सबसे बड़ी घटना हुई, इसरो ने लॉन्च किया चंद्रयान 2। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए चंद्रयान 2 का सफल लॉन्चिंग किया जुलाई के महीने में, जो विश्व की अंतरिक्ष जगत को एक चौंकाने वाला सबसे कम लागत में चंद्रयान 2, जो देशी स्वदेशी चंद्रयान था, उसको लॉन्च किया गया और उसको चांद की सतह पर उतरने की भारत की ये पहली कोशिश है। बिहार और असम में बाढ़ भी इस महीने की सबसे बड़ी सुर्खी बनी, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस घटना से प्रभावित हुए। देश के तमाम हिस्सों में आई बाढ़ ने भी पूरे देश को झकझोर दिया, इस देश की अर्थव्यवस्था को पीछे धकेलने का काम बाढ़ ने भी किया। लंबी बहस के बाद संसद में 3 तलाक का कानून पेश हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे कानून बनाया गया। ये भी जुलाई की सबसे प्रमुख घटनाओं में से एक था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगस्त की सबसे बड़ी घटनाओं को। अगस्त की जो सबसे बड़ी घटना है वो जम्मू कश्मीर के नाम रही। इस महीने में एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय हुआ जिसकी पूरे देश ने अपने कर कमलों से उस निर्णय की सराहना की। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं धारा 370 और आर्टिकल 35A की। भारत सरकार ने संसद में एक प्रस्ताव पारित करते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35A का तुरंत प्रभाव से उसको निष्प्रभावी करने का जो ऐतिहासिक कदम उठाया, इससे जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जम्मू को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बनाकर वहां पर उस राज्य को 3 अलग-अलग राज्यों में, केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया। हालांकि इसके बाद जम्मू कश्मीर के हालत सामान्य नहीं रहे, काफी दिनों तक जम्मू कश्मीर के जनता को इस आदेश के बाद तमाम परेशानियों से जूझना पड़ा, लेकिन लोग कहते हैं कि ये एक सकारात्मक कदम था जो भारत सरकार ने लिया 70 साल की बीमारी को दूर करने के लिए। वहीं पर सबसे बड़ी दिल्ली की जो सियासी सुर्खी है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे से आई, जब पार्टी की कद्दावर नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का निधन हुआ। उनके निधन से सभी लोग आश्चर्यचकित थे, नम आंखों से उनको विदाई दी गई और उसके बाद
केंद्र में वित्त मंत्री रहे और देश के एक जाने माने नेता, भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक माने जाने वाले अरुण जेटली का भी निधन इसी महीने हुआ। अगस्त के महीने में भारतीय जनता पार्टी को दो बड़े झटके लगे, जिनमें एक था सुषमा स्वराज का निधन और दूसरा था पूर्व मंत्री अरुण जेटली का निधन। तीसरी जो सबसे बड़ी सुर्खी है अगस्त महीने की, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो एनआरसी है, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, उसको असम के लिए अपडेट किया गया, जिसमें 19 लाख लोगों को उस सूची में जगह नहीं मिली, जिसके बाद एक सियासी बवाल भी हुआ और आज भी वो जारी है। आइए बढ़ते हैं सितंबर की तरफ। सितंबर में जो सबसे बड़ी सुर्खी बनी वो हमारे चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की हुई, जिसमें महीने की पहली तारीख में नया मोटर वाहन अधिनियम भी लागू किया गया, इसके बाद भारी जुर्माने लगाए गए और चंद्रयान 2 के भेजे गए विक्रम लैंडर को चांद से सतह पर उतरने से कुछ समय पहले ही उसका संपर्क उसकी कक्षा से टूट गया, जिसके बाद तमाम कोशिशों के बाद भी इसरो इसमें सफल नहीं हो पाया, हालांकि ये मिशन 95% सक्सेसफुल रहा। तीसरी जो सबसे बड़ी सुर्खी सितंबर महीने की है वो पंजाब के गुरदासपुर में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग से 16 लोगों की मौत हुई और 10 लोग घायल हुए। ये एक बड़ी घटना थी जिसमें तमाम लोगों की जाने गई और उसके बाद सरकारों की लापरवाही सामने आई। बढ़ते हैं अक्टूबर महीने की तरफ और अक्टूबर की जो सबसे बड़ी सियासी सुर्खी थी वो थी व्हाट्सएप की जासूसी। जी हाँ, व्हाट्सएप से जासूसी करने का आरोप भारत सरकार पर लगाया गया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने बताया कि हमारे व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर इसकी जासूसी की जा रही है, इसकी सूची भी जारी हुई और भारत के पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील भी इसमें शामिल थे, जिसके बाद ये विवाद का रूप लिया और इस विवाद को बड़ा तूल दिया गया। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी सुर्खी भारत के लिए सबसे अहम सुर्खी थी, भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री जेएनयू से पढ़े अभिषेक बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला, उनके लिए घोषणा की गई और जिसके बाद उनका देश भर में स्वागत किया गया। और तीसरी जो सबसे बड़ी सियासी सुर्खी थी सितंबर महीने की वो थी सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई पूरी होना और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो इसका जजमेंट था उसको सुरक्षित रखा। और इसके अलावा जो तीसरी जो सबसे बड़ी सियासी सुर्खी थी वो थी हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, ये चुनाव संपन्न हुए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नवंबर की तरफ। नवंबर की सबसे बड़ी सियासी सुर्खियों में भी अयोध्या मामला ही छाया रहा, क्योंकि नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अयोध्या पर चल रहे मुकदमे का अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें विवादित भूमि का मालिकाना हक रामलला विराजमान को दिया गया, वहीं पर मुस्लिम पक्ष के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का प्रावधान भी रखा गया। तीसरी सुर्खी की तरफ सितंबर में बढ़ते हैं और इस सितंबर की सबसे बड़ी सुर्खी थी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार का गिरना, उठना और फिर गिरना। जी हाँ, आपने देखा होगा वो सियासी हलचल जिसमें महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए, आशंकाएं लगाई जा रही थी कि अब किसकी सरकार बने, शिवसेना अपना सीएम बनाने के मांग पर अड़ गई, उसके बाद महाराष्ट्र के सियासी रण को कौन भूल पाएगा। अजित पवार जो सबसे बड़े किंग मेकर बनकर उभरे तो थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो आए इस गली से और निकल गए उस गली से। अगले दिन शपथ लेते हैं डिप्टी सीएम का देवेंद्र फडणवीस के साथ और फिर दूसरे दिन ही इस्तीफा सौंप कर अपने ही खेमे में चले जाते हैं। पारिवारिक फूट का आरोप लगाया गया बीजेपी पर, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप भी बीजेपी पर लगा और अंततोगत्वा वहां पर शिवसेना की सरकार बनी। जो आखिरी सुर्खी सबसे बड़ी सुर्खी है सितंबर महीने की वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत की गई, गुरु नानक देव के जो सबसे बड़ा सिखों का पवित्र स्थल है करतारपुर, उसके लिए पाकिस्तान द्वारा बनाए गए करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। दिसंबर महीने की तरफ बढ़ते हैं और दिसंबर की सबसे पहली सुर्खी आप समझ गए होंगे, CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको संसद ने शीतकालीन सत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम को हरी झंडी दिखाई, जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को आसानी से भारत की नागरिकता मिलेगी, इसको लेकर एक बहुत बड़ा बवाल हुआ। छात्रों द्वारा प्रदर्शन आज भी चल रहा है देश में, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इस अधिनियम से भारत में रह रहे किसी भी अल्पसंख्यक या किसी भी समुदाय के लोगों की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, इसमें हिंसा और तमाम अन्य प्रकार के वायलेशन की घटनाएं पूरे देश में हुई। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन जारी रखा, अभी भी सरकार बल प्रयोग करके प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश में है।
इसके अलावा झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। जेएमएम प्लस जो गठबंधन है, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का, उसको अधिक सीटें मिली, बहुमत में आया और हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो ये थी साल की जो सबसे बड़ी सुर्खियां थी, सियासी, राजनीतिक, खेल जगत और तमाम अन्य जगत से जुड़ी हुई। हम आशा करते हैं कि आपका 2019 सकुशल बीता है और आने वाले 2020 वर्ष की हम आर सोनी न्यूज परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप सभी के लिए ये साल मंगलमयी हो, सुखदायी हो, आपकी इच्छाओं को पूरा करे और देश में शांति बनी रहे, देश तरक्की करता रहे और ऐसे ही तमाम समस्याओं का समाधान करते हुए हम सभी आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।